सब्सक्राइब करें टेक्सेप ट्रेंड यूट्यूब चैनल को और नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों कूलपैड की तरफ से अपना नया स्मार्टफोन कूलपैड 8 को आज भारत में लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो कि अपग्रेडेड वर्जन है कूलपैड नोट 7 का, जो कि लॉन्च किया गया था 2017 में, यानी कि पिछले साल। दोस्तों इस फ़ोन में आपके लिए क्या खास होने वाला है, साथ में इस फ़ोन में आपके लिए क्या प्रोसेसर, क्या रैम और क्या इसमें आपको स्टोरेज और क्या इसमें आपको कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्सेप ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वाला फ़ोन आपके लिए मिलेगा एक ही वेरियंट में, यानी कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। इसका कोई भी टॉप वर्जन फिलहाल नहीं है। इसके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 9999 और इसे आपको खरीदने के लिए जाना पड़ेगा पेटीएम मॉल पर, जिसे कि आप खरीद सकते हैं 22 अक्टूबर से। फोन के पिछले हिस्से में डुअल कैमरा सेटअप है, जिसका पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 2.0 दिया गया है। साथ में जो दूसरा कैमरा है वो 0.3 मेगापिक्सल का। फ्रंट पैनल पर आपके लिए 2.2 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। कैमरा ऐप में फिल्टर फेस, ब्यूटी ब्लर मोड और पनोरमा मोड जैसे कई फीचर आपके लिए मिल जाएंगे। लेटेस्ट कूलपैड नोट 8 में आपके लिए यहाँ पे मिलने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 ओरियो। ये फोन सपोर्ट करता है डुअल सिम को। इसका स्क्रीन साइज मिलेगा यहाँ पे 5.99, जिसका एक्सपेक्ट रेशो है 18:9 का और उसका रेजोल्यूशन है 1080 और 2160 का रेजोल्यूशन है। साथ में इसकी जो डिस्प्ले है फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर दी जा रही है। इस फोन का अगर प्रोसेसर देखा जाए तो 1.5 GHz के साथ मीडियाटेक का MT 6750 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ Mali-T 860 GPU के साथ ये फ़ोन दिया जाएगा। इसमें आपके लिए मिलने वाली 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। इसे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 128GB तक बढ़ा सकते हैं। स्मार्टफोन के रियर में आपके लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी फास्ट वर्क करता है। कंपनी का यहाँ पर कहना है कि इसे आप 0.2 सेकंड में आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन में बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी गई, जो कि 4000 mAh की, जिसका स्टैंड बाय टाइम 200 घंटे का है। और इसे अगर आप वीडियो या देखते हैं या फिर आप यूट्यूब देखते हैं तो 8 घंटे तक लगातार आप इसे यूज कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए 4G वोल्टी सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, GPS जैसे फीचर भी मिल जाएंगे। साथ में इस स्मार्टफोन में सारे सेंसर मिल जाएंगे, जो कि आपको बेसिकली सभी फोन में देखने को मिलते हैं। इस स्मार्टफोन की अगर कॉस्ट देखी जाए तो 9999, जो कि काफ़ी एक मिड रेंज के फ़ोन आते हैं उस रेंज पर, ठीक है। बट आप यहाँ पर रेडमी का अगर नोट 5 देखें तो वो भी आपके लिए 11,000 रुपये मिलता है, और जो कि इससे काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इस फोन में भी आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक फीचर दिए गए, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर मीडियाटेक का है। और आपके लिए यहाँ पर रेडमी नोट अगर आप 5 देखते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्वालकॉम का आपके लिए प्रोसेसर दिया गया है। तो वैसे रेडमी भी अच्छा ब्रांड है, यहाँ पर कूलपैड पर भी आप जा सकते हैं। उसे कूलपैड नोट 8 के बारे में अगर कोई भी डिटेल मुझसे मिस हो गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए वीडियो आपके लिए कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूट्यूब पर नया हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।